हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांप के फन में महादेव रूपी तस्वीर बना चर्चा का विषय। श्रवणों को मिला पहला चमत्कार, फिर देखे खेत मालिक को। उपखंड के कानपुरा गांव में कृषि कुएं पर सांप के फन पर महादेव रूपी तस्वीर बना चर्चा का विषय। आखिर कब और कैसे बना चर्चा का विषय, हम आपको बताएंगे इस पूरे रहस्य के बारे में कि 3 दिन पूर्व अमावस्या के दिन शाम के करीब 4 बज रहे थे, उसी दरमियान खेत मालिक सुमेर सिंह को कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। तब जाकर देखते हैं तो एक लंबा सा काला सांप नजर आता है जो फन लगाए बैठा होता है और 2 कुत्ते दोनों साइड में खड़े होकर सांप और कुत्ते आत्मचोली का खेल खेलते हैं। उसी समय देखते ही देखते कुत्ता एकदम शांत हो जाता है और सांप के सामने चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी खेत मालिक भी सामने जाकर देखते हैं तो खुद भी अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है, ऐसा क्या देखा कि मालिक भी अचंभित हो गए। जब उनसे इस मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि सांप के फन में महादेव रूपी तस्वीर दिखाई देने पर देखते ही देखते स्तब्ध रह गए कि आखिर ये क्या है। तब उन्होंने अपने मोबाइल में तस्वीर कैद की, उसमें भी ऐसा ही नजारा देखा गया जहां पर देखते ही देखते आसपास के रहवासियों गांव से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सांप के फन में महादेव रूपी तस्वीर जो चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ये क्या है, जिसको लेकर खेत मालिक सुमेर सिंह जागरूक टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब से हमने सांप के फन में महादेव रूपी तस्वीर को देखा उसके बाद से हम स्वयं बदले बदले से नजर आ रहे हैं और ये जिस प्रकार से हमें नाग के फन में महादेव के दर्शन हुए हैं उससे हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, लेकिन अब हम असमंजस में पड़ गए हैं कि आखिर सांप के फन में दिखे वो कौन से महादेव हैं। इसकी सूचना आसपास के क्षेत्रों में फैलते ही एक चर्चा का विषय बन गया और उन्होंने उसी सांप को दूसरे दिन सवेरे भी उसी जगह पर देखा और उसके बाद वहां पर पड़ी कुछ ईंटों के अंदर जाकर बैठ गया है। अब परिजन भी एक तरफ तो खुश नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस सांप के फन में महादेव रूपी तस्वीर को देखकर चिंतित भी नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या है ये। जागरूक टीवी की सुमेरपुर से तरुण रावल की खास रिपोर्ट।